खबर कांकेर जिले के भानू प्रतापपुर विकासखंड से है, जहां बोगर गांव में लगी 67 एकड़ शासकीय जमीन को जिला व्यापार व उद्योग केंद्र को देने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा सही नहीं है, वो इस जमीन को षड्यंत्र पूर्वक गुपचुप तरीके से कुछ औद्योगिक समूहों को देना चाहते हैं, जबकि वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर बाजार प्रस्तावित है और हाई स्कूल के साथ ही खेल मैदान और आवासीय क्षेत्र है, लेकिन उद्योग लगने से भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने और देवलाल नरेटी ने ग्रामीणों के विरोध को जायज बताया। के द्वारा हमारे गांव के जमीन को औद्योगिक किसी संस्था के द्वारा हमारे गांव के जमीन को औद्योगिक व्यापारी पर जो जमीन की मांग की जा रही है, गाँव वाले इस जमीन को देने से इनकार कर रहे हैं। सरपंच को कुछ नहीं बोल रहे हैं? सरपंच पता ही नहीं, मेरे को नहीं मालूम, अभी तक मेरे को सूचना नहीं मिला बता रहे हैं। तो आप लोग को कैसे सूचना प्राप्त हुआ इसको? ये इश्तिहार कोतवाल द्वारा जमाजी किया गया कल शाम को। जमीन का मामला है, जो सरकारी जमीन है उसको क्या बोलते हैं उद्योग के लिए, उद्योग के लिए मतलब उसका उपयोग करने के लिए शासन मतलब लोगों ने किया है। हम लोग को पता भी नहीं है ग्राम पंचायतों को कि क्या है, हम लोग को जानकारी नहीं था, ग्रामीणों को भी जानकारी नहीं था, इसलिए इस बैठक को रख के इसका फैसला कर दी। इस जमीन को हम लोग नहीं देने करते, इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सरकार नहीं चला रही है, बल्कि यहाँ दलाली कर रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले उजागर हो रहे हैं। गुजर में यहाँ के लोगों को बगैर पूछे, बगैर ग्राम सभा में प्रस्ताव के 67 एकड़ जमीन को हथियाने का प्रयास कर रही है सरकार। सीधे तौर पर मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि सरकार उद्योग लगाने के लिए बल्कि निजी कंपनियों को देने के लिए, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रही है। आम आदमी पार्टी बोगर निवासियों के साथ है और लगातार खड़ी रही है। किसी संस्था